क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए भारतीय टीम के दरवाजे बंद हो गए हैं? इसका जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम में उस समय तूफान आ गया जब BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करी। उसमें कई सारे खिलाड़ियों को प्रमोशन मिला, कुछ खिलाड़ियों का डिमोशन हुआ और कुछ खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में जगह मिली। पर दो खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। वो नाम थे, आपने जरूर सुना होगा, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। कारण क्या था? कारण ये है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। इसकी वजह से BCCI ने कड़ा संदेश जारी किया कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे उनके लिए ये ऐसी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले BCCI ने और जो हमारे BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह ने साफ तौर पे कहा था कि जो खिलाड़ी फिट हैं और जो अवेलेबल हैं वो जाकर क्रिकेट खेलें, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। पर उनके कहने के बावजूद भी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने उस बात को नज़रअंदाज किया और जिसकी वजह से उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया। पर उसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि BCCI ने एक कड़ा संदेश दिया और खासकर दो खिलाड़ियों के लिए एक नोट जारी किया। सबसे पहले आपको वो बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या इनके लिए दरवाजे बंद हो गए। तो नोट ये था कि प्लीज नोट दैट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट कंसिडर्ड By the annual contract in this round of recommendation, यानी कि they were not considered, उनके बारे में सोचा तक नहीं गया। ये बहुत बड़ा संदेश था, क्योंकि आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी करी थी, भारत को कई मैच जिताए, उसके बाद वो तीन फॉर्मेट में आपको खेलते हुए दिख रहे थे। ईशान किशन, जो भारत के युवा टैलेंटेड खिलाड़ी, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो उन खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली, कारण डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना। तो अब आपको बताते क्या इनके लिए दरवाजे बंद हो गए। देखो, ये BCCI का एक बड़ा पनिशमेंट दिया गया है इन दो खिलाड़ियों के लिए। अब इन दोनों खिलाड़ियों के लिए पहली बात तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली के लिए ये बहुत टफ टाइम है, क्योंकि आपके बारे में स्पेशली नोट जारी किया। तो अभी आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है तो ये आगे इंडिया के लिए या इस साल इंडिया के लिए नहीं खेल सकते। ये अभी भी खेल सकते, पर उसके जो रास्ते हैं उसके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इनसे पहले अब कुछ खिलाड़ी आगे जा चुके हैं, चाहे वो सरफराज खान हो, ध्रुव जुरेल हो या फिर KL राहुल हो। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सबसे पहले आने वाले जो ये IPL है उसमें इनको छप्पड़ फाड़ के रन बनाने, अगर इनको T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। क्योंकि अगर ये खिलाड़ी 600, 500 अच्छे रन बनाते अपनी टीम के लिए, कोलकाता के लिए श्रेयस अय्यर और मुंबई के लिए ईशान किशन, उस स्थिति में ही जो BCCI, जो भारतीय मैनेजमेंट है, उनको कंसिडर कर सकती है। ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं तो उनको खिलाया नहीं जाएगा, एक रास्ता ये। दूसरा, अगर ये T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह नहीं बना पाते फिर क्या इनकी एंट्री नहीं होगी? देखो, उसके बाद इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी होगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बिना, वहां पर रन बनाए बिना, आपको भारतीय क्रिकेट टीम में जगह अब तो नहीं मिलने वाली। ये BCCI ने साफ कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना बता दें कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में इन खिलाड़ियों का नाम नहीं है तो वो इस साल ये भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहां पर बल्ले से रन बनाए, IPL खेले, वहां पर बल्ले से रन बनाए। अब इनके हाथ में सिर्फ ये है, जितने ज्यादा से ज्यादा मैच ये भारत के लिए जो है यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट IPL जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें खेले, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, उस स्थिति में भारतीय टीम में जगह बना सकते। पर इतना तो तय है कि BCCI ने एक कड़ा संदेश उन खिलाड़ियों को दिया है जो डोमेस्टिक क्रिकेट को कम आंकते थे, उसको प्रेफरेंस नहीं देते थे, और एक तरीके से उन सभी के लिए सीख है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर भारत के लिए खेलना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। हमारे साथ इस बोर्ड में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इस रूम पोस्ट।